हेलो बच्चों, नमस्कार। देखिए, लास्ट सेशन में हम लोग लाइंस एंड एंगल पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, एंगल्स कितने तरीके के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब हम पढ़ चुके थे। हमने एक्सरसाइज 6.1 के दो क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम आगे की एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री कराने से पहले मैं आपसे फिर एक बार वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि वीडियोस आपको पसंद आ रही हो, पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में एक फिगर आपको दे रखा है 6.15, और इसमें गिवन है आपको कि एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू के। सबसे पहले फिगर देखते हैं, ये इसका जो बेस है इसे एक्सटेंड कर रखा है और ये आपका पी एंड क्यू एंड आर, और आपको गिवन है कि इसका एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सरसाइज 6.1 एंड क्वेश्चन नंबर थ्री। गिवन क्या है इसमें क्वेश्चन में, सबसे पहले आप वो लिख के चलेंगे। गिवन है आपको एंगल बी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको मैंने बताया था लीनियर पेयर, आपको दिखाया कि क्यू आर एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, अगर इधर वाले पॉइंट्स को हम इधर और इधर, फिगर में आपको गिवन दी है, इसे एस दे रखा है और इसे टी दे रखा है, इसे एस टी तक आपने एक्सटेंड कर रखा है लाइन को। अब देखिए एस टी आपकी एक लाइन है, देन ये पूरा एंगल आपका लीनियर पेयर बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 180 है। इसी तरीके से इधर भी आपका ये लीनियर पेयर बन रहा है और ये भी आपका 180 है। तो टू प्रूव एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, ये आपको प्रूव करना है इसमें। तो सबसे पहले लेके चलेंगे एस टी इज ए स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन है तो देन एंगल एस क्यू टी ले लेंगे, एस क्यू आर ले। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन बनेंगे एंगल एस क्यू आर इक्वल्स किस किस के मिलने से बन रहा है। देखिए एंगल पी क्यू आर यानी कि इस एंगल को और पी क्यू एस इस एंगल को ऐड करने के बाद मिल रहा है, वही हम इसमें लिख लेते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस। ठीक है, और ये क्योंकि लीनियर पेयर है आपका तो कितने के इक्वल होगा, ये 180 डिग्री के। इक्वेशन फर्स्ट है प्लीज। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से इधर आते हैं एंगल पी, ये पूरा का पूरा लेके चलेंगे पी आर क्यू या पी आर एस, ये वाला पूरा एंगल। ठीक है, एंगल पी आर एस इक्वल्स टू, ये एंगल किसके सेम एंगल से बन रहा है, इसके और इस वाले के, तो ये क्या होगा आपके पास एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, और ये भी कितने का है 180 डिग्री का है। इक्वेशन सेकंड मान लीजिए इसे। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड से हमें वैल्यू किस किस की निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है पी क्यू एस की। पी क्यू एस निकाला जा सकता है इसमें से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंगल पी क्यू एस
क्यूएस निकालेंगे तो देखिए इधर माइनस में चला जाएगा 180 डिग्री में, और माइनस एंगल पी क्यू आर के। इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड यहां से हमें चाहिए पी आर टी निकाल सकते हैं इसमें से, पी आर टी वो आपके पास हो जाएगा 180 माइनस पी आर टी, जब निकाल रहे हैं तो पी आर टी उधर जाके माइनस का होगा पी आर क्यू। अब देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों एंगल इक्वल थे, इवन था आपको। अब जब 180 में से दोनों इक्वल क्वांटिटी आप घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इस वाले पोर्शन में यहाँ पर पी आर क्यू की जगह पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर भी तो रख सकते हैं, यानी कि 180 माइनस एंगल पी क्यू आर, ये आपको भी बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर पी क्यू एस की वैल्यू भी तो यही थी, तो किसके इक्वल हो गया, एंगल पी क्यू एस के, ठीक है। यही हमें इसमें प्रूव करना था। अब देखिए इसे आप जनरली समझिए, ये तो हमारे लिखने का तरीका हो गया। अगर मैं इस एंगल को x मान लूं और ये इसके इक्वल है, तो ये इधर वाला भी x ही हो गया, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए ये आपके पास 180 था पूरा का पूरा, तो ये कितना बचेगा आपके पास 180 माइनस x, ठीक है। इधर भी आएगी ये पूरा एंगल लीनियर पेयर से 180 था, और ये अगर x है तो ये भी कितना बचा आपके पास 180 माइनस x। अब ध्यान दीजिए दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। यही हमें इसमें प्रूव करना था। लिखने का तरीका तो ये है आपका, इस क्वेश्चन का आप लिखेंगे पूरा इस तरीके से डिस्कटिव, और समझने का तरीका ये है आपका, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, और उसके बाद फिर लिखना पूरा का पूरा ऐसे है इस क्वेश्चन को, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है, इसी तरीके से आपको एक फिगर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में भी, एक क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है, इन फिगर 6.16 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। यहां पे ए बी इसी तरीके से यहां पे ये लाइन आपको दे रखी है, और फिर ये लाइन आपको गिवन है, इस पॉइंट को डी कहा गया है, इस पॉइंट को सी कहा गया है, और इस पॉइंट को यहाँ पर ओ कहा गया है, ठीक। और इन एंगल्स की आपको अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं, ये आपके पास x, ये y, ये आपके पास z, और ये आपके पास w दे रखा है, ठीक है। अब देखिए आपको गिवन क्या है इसमें, given that x plus y is equals to w plus z, और प्रूफ क्या कराना है आपसे, टू प्रूफ हमें प्रूफ कराना है ए बी इज ए लाइन। अगर ए बी आपको एक लाइन दिखानी है तो जहां पर ये पॉइंट है आपका ओ, ये आपको दिखाना पड़ेगा कि एंगल ए ओ बी, चाहे इधर वाला और चाहे ये इधर वाला, पूरा एंगल आपको 180 का दिखाना पड़ेगा, तब आप प्रूव कर सकते हैं कि ये एक लाइन है, ठीक है। ए बी इज ए लाइन, और क्या प्रूव करना है आपको, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180, ये प्रूव आपको इसमें करना है। अब देखिए अगर हम पूरे की बात करें, यहां से चलना शुरू करें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, सर्कल पूरा हुआ और आप वापस वहीं पर आ गए जहां से आपने शुरू किया था। तो पूरा सर्कल आपको घूमने में बताया था, आपको कितना एंगल आपको चलना पड़ता है, वो आपका पूरा होता है 360 के, ठीक है। तो
reflex angle, आपके पास किसी का ले लें, ए ओ का ले लेगा, यहां से हम इसे रिफ्लेक्स लें या इधर से रिफ्लेक्स लें, ये पूरा एंगल 180 का पड़ रहा है, एंगल ओ इक्वल टू सॉरी 360 का पड़ रहा है, 360 डिग्री, ठीक है। और एंगल ओ को अगर हम देखें क्या है, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, x प्लस वाई इक्वल किसके था, w प्लस जेड के, तो यहां पर हम w प्लस जेड की वैल्यू रख सकते हैं इसमें, ये वाली x प्लस वाई, x प्लस वाई ऑलरेडी आपके पास था, इसकी जगह भी आपने क्या रख दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री के, देन ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री के, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, और अपॉन में ये 2 आ जाएगा यानी कि 180 डिग्री, और x प्लस वाई ध्यान दीजिए कौन है, x प्लस वाई, ये तो एंगल ए ओ भी है, इक्वल टू एंगल ए ओ बी के, और ए ओ बी अगर आपका 180 का आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, यानी कि एक लीनियर पेयर हुआ, और लीनियर पेयर हुआ तो ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, एंड AB is a straight line. ये आपको इसमें प्रूव करना था, क्लियर है, लिखने का तरीका भी इसी तरीके से होगा इसे, और समझाने का आपको बताई दिया कैसे आपको इसे समझना है क्वेश्चंस को। देखिए ज्योमेट्री जो होती है आपकी, इसमें सबसे मेन चीज होती है ये फिगर, और फिगर में फिर लाइंस को समझना है आपको, उनके बीच में जो एंगल्स बने हुए हैं उन्हें आपको समझना है, उनमें क्या प्रॉपर्टी यूज की जा सकती है उसे आपको समझना है, उसके बाद जो प्रूव आपको करना है कॉन्सेंट्रेट उस पर करना है फिर, ठीक है। आगे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इनमें जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जो हमारे पास प्रूव करना है उसी से हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे क्वेश्चन को। क्या होता है जब एग्जाम्स में हमारे पास सडनली क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज होते हैं कि शुरू से कहां से करें, तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में जो आपको प्रूव करने के लिए दे रखा है कॉन्सेंट्रेट आप उस पे करें कि वे वैल्यूज आपके पास आ जानी चाहिए। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक फिगर दे रखी है, ये 90 डिग्री का एंगल है यहां पे, और ये आपके पास 1 क्या है इसमें, ये आपके पास रेज दे रखी है अलग अलग सारी की सारी, और इसमें आपको दे रखा है कि ये रेज आपकी परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल QOR या ROQ इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आपके पास गिवन है, और जब ये इधर वाला 90 का है तो ये भी क्लियर है कि बचा हुआ इधर वाला भी, यानी कि POR इंप्लाइज दैट एंगल पी ओ आर ये भी आपके पास 90 डिग्री का ही होगा, ठीक। अब प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें करना है आर ओ एस, एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये आपको इसमें प्रूव करना है। तो देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्या आती है, इसे शुरू कहां से करें, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है क्यू ओ एस में से सब्ट्रैक्ट आपको करना है पी ओ एस, तो सबसे पहले हम क्यू ओ एस और पी ओ एस को ही निकालते हैं। देखिए सबसे पहले एंगल क्यू ओ एस की बात करते हैं जो यहां पे क्वेश्चन में है, क्यू ओ एस ये किस किसके बीच ऐसे बना हुआ है, ये वाला 90 और प्लस में ये वाला एंगल,
आर ओ एस ए, तो वही हम लिखेंगे डायरेक्टली 90 भी लिख सकते हैं आप इसे, या क्यू ओ आर भी लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ आर या आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ एस। आर ओ क्यू की जगह आप 90 रख सकते हैं, 90 प्लस में एंगल आर ओ एस के, इसे करिए इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको निकालना है POS, POS कौन है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आपको ये पता है कि ये पूरा का पूरा नहीं लिखा है ये एंगल, ठीक है, और अगर इसमें से मैं आर ओ एस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास पी ओ एस आ जाएगा, तो हम निकालते हैं एंगल पी ओ एस, ठीक, ये आपके पास हुआ एंगल पी ओ आर माइनस में एंगल आर ओ एस। पी ओ आर की जगह वही 90 हम पहले ही ले चुके हैं इसे, तो यहाँ पे भी 90 रखते हैं और माइनस में एंगल आर ओ एस, ये आपके पास सही इक्वेशन होगी, ठीक। अब हमें करना क्या है, देखिए क्यू ओ एस में से पी ओ एस को सब्ट्रैक्ट कराया गया है क्वेश्चन में, वही काम हमें यहाँ भी करना है, तो हम करेंगे इसमें इक्वेशन फर्स्ट माइनस में इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां क्या आएगा, इधर नीचे वाले साइन को चेंज होते हैं, ठीक है, ये आपने लीनियर इक्वेशंस में पढ़ रखा है, जब आप पॉलीनोमियल्स को भी घटाते थे तो नीचे वाले साइन आपके चेंज हो जाया करते थे, तो यहां पे क्या हुआ आपके पास एंगल क्यू ओ एस माइनस में एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू, देखिए 90 से तो 90 कट गया, यहां पे ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो यहां पर टू एंगल्स ऑफ आर ओ एस ये हो गया, अब ये टू इधर आ जाएगा तो आपके पास एंगल आर ओ एस हुआ 1/2 इधर ले आएंगे और ब्रैकेट में आ जाएंगे ये एंगल क्यू ओ एस माइनस में एंगल पी ओ एस, और यही आपसे टू करवाया जा रहा है, क्लियर है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले ही बताया कि जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है जो हमारी नीड है क्यू ओ एस और पी ओ एस, सबसे पहले हमें उन्हें निकाल लेना है, फिर जो क्वेश्चन में कहा गया है अगर ये प्लस करने के लिए कहता है तो हम दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लेते हैं, और अगर ये माइनस करने के लिए कह रहा है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है, तो हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लिया, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो हमारे सामने आ जाएगा खुद ब खुद ही, क्लियर है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, सिक्स क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको फिगर नहीं दी गई है तो फिगर भी आपको खुद ही बनानी है, ऐसे क्वेश्चन आप बच्चों के लिए थोड़े से टफ होते हैं, आप फिगर बनाने में थोड़ी बहुत गड़बड़ करते हैं, तो जो ये बोलता जा रहा है क्वेश्चन में एग्जैक्ट वही हमें करके जाना है। सबसे इसने पहले इसने कहा है इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 के, एक एंगल आपको दिया गया है 64, ये अप्रोक्स हमने बना लिया, x, y एंड z, ठीक है, x, y एंड z, ये एंगल हमें 64 डिग्री दे रखा है, ठीक है। फिर इसने कहा रहा है xy इज प्रोड्यूस टू p, xy को आपने प्रोड्यूस कर देना है आगे P तक, ठीक है। देखिए इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, कुछ बच्चे क्या करेंगे इधर बना सकते हैं 64, तो x इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा, z यहां पर आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिगर थोड़ा सा चेंज होगा पर जैसे भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं, इसे x को आप इधर भी ले सकते हैं और x को आप इधर भी ले सकते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अब ये कह रहा है इसमें ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हमने बना दिया इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती हुई एक रे है आपके पास जिसे इसने नाम दिया है वाई क्यू, ये पॉइंट क्यू है, बाइसेक्ट करने का मतलब है ये एंगल और ये एंगल आपके बराबर हो गए, ठीक है। अब आपको निकालना है इसमें एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू
ये वाला पूरा एंगल, और पूछा गया है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स यानी कि ये इधर वाला एंगल। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास एंगल है और उसका रिफ्लेक्स निकालना है तो उसे आप 360 में से माइनस करके रिफ्लेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास है, गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 6, इसमें गिवन है हमें एंगल एक्स वाई एंड जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं पी वाई जेड की वैल्यू, देन एंगल पी वाई जेड। देखिए ये आपके पास लीनियर पेयर बन रहा है क्योंकि ये आपने एक्स वाई को ही एक्सटेंड किया था आगे, और एक्सटेंड किया था तो ये पूरा का पूरा एंगल कितने का होगा, 180 का होगा। हम निकाल रहे हैं पी वाई जेड, पी वाई जेड निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा, ये पी वाई एक्स और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स वाई जेड, ठीक है। या हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि पी वाई जेड और प्लस एक्स वाई जेड वो टोटल कितना है, 180 डिग्री का है। हमने से थोड़ा सा शॉर्ट डायरेक्ट लिख दिया, पी वाई जेड कितना था आपके पास, 180, पी वाई एक्स और पी वाई एक्स ये हमारे पास है 180 डिग्री के, और माइनस में एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री के, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से आ गया 116 डिग्री, ये हमारे पास पी वाई जेड की वैल्यू आ गई पी वाई जेड, ये पूरा का पूरा एंगल हमारे पास कितना आया 116। अब देखिए वाई क्यू क्या है, ये बाइसेक्टर है इस एंगल का, वाई क्यू इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी वाई जेड, ठीक है। देन एंगल पी वाई क्यू इक्वल्स होगा एंगल जेड वाई क्यू और इक्वल्स होगा एंगल पी वाई जेड और अपॉन टू के, क्योंकि बाई सेक्टर है तो आधा आधा दोनों के पास जाएगा, आधा इसके पास जाएगा और आधा इसके पास जाएगा, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ दिस कितना होगा, 116 अपॉन में टू, ये आपके पास 58 डिग्री आ गया। तो पहला आंसर तो हमें मिल गया, हमसे जो पूछा गया था ये एंगल पूछे हमसे जेड वाई क्यू तो वो भी 58 है, और हमसे अगर क्यू वाई बी पूछे या पी वाई क्यू पूछे तो वो भी आपके पास 58 है। अब इसने हमसे पूछा था कि रिफ्लेक्स एंगल ऑफ पी वाई क्यू, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, क्योंकि पी वाई क्यू आपके पास कितना है, वो है 58। देन एंड रिफ्लेक्स एंगल एंगल पी वाई क्यू वो क्या होगा आपके पास, 360 माइनस जो आपके पास पी वाई क्यू एक्चुअल में था 58, तो ये आपके पास आ गया 302 डिग्री, ये आपके पास इसका आंसर हो गया। तो बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, जब आपको एक फिगर दी हुई होगी और फिगर में एक या दो कोई एंगल्स दिए गए होंगे और अननोन्स आपको उसके साथ में दिए गए होंगे, तो इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से करें, इसमें से आपके पास क्वेश्चन जरूर आएगा, 6 ही क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए इस सेशन के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्कार।